इंडिया में अगर आप किसी के घर पे जाते हैं तो स्वागत करने के लिए मिठाई दी जाती है। आप अपने घर में अगर छोटी बड़ी कुछ भी खुशी सेलिब्रेट करते हैं तो आप मिठाई खाते हैं। अगर आप रिफ्रेश होना चाहते हैं, आप किसी के घर पे जाते हैं तो चाय का प्याला सबसे अहम होता है। तो जाने अनजाने में जो हम लोग ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से हमें तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि अगर हम लोग 14 दिन के लिए शुगर खाना बंद कर दें तो बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होगा। इनिशियल सबसे पहली चीज़ कि अगर आप शुगर खाना बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो शुगर फ्यूल से सीधे फैट फ्यूल्स पे कन्वर्ट होती है। और ऐसे टाइम में इनिशियल 3 to 4 days में आप कुछ सिम्टम्स नोटिस कर सकते हैं, थोड़े अनईजी फील कर सकते हैं। इस टाइम पे आप पोटेशियम और विटामिन सी का इंटेक कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की स्मूथ शिफ्टिंग होती है शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग की तरफ। अब बात करते हैं कि अगर आप चीनी खाना बंद कर देते हैं तो क्या होगा। सबसे पहला कि आपकी शुगर के प्रति जो क्रेविंग है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। बिकॉज़ इनिशियल जब आप बार बार शुगर कंज्यूम करते हैं, आपके बॉडी में बार बार इंसुलिन अप होता है जो शुगर को ड्रॉप डाउन करता है और फिर अगेन क्रेविंग क्रिएट होती है शुगर के लिए। तो अगर कुछ दिनों के लिए आप शुगर खाना बंद कर देते हैं तो ऐसे कंडीशंस में शुगर के प्रति क्रेविंग आपकी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरा फ़ायदा होता है कि आपको जो बार बार भूख लगती है, अगर आप शुगर खाना कम कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी एपेटाइट पहले के मुकाबले कम हो जाती है और आपके बॉडी का शुगर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहना शुरू हो जाता है। तीसरा फायदा जो होता है कि आपको कम थकान लगती है, स्पेशली खाना खाने के बाद जिनको ज़्यादा टायर्डनेस फील होती हो, ये लोगों को शुगर कंजम्पशन जो है वो कम कर देना चाहिए। तो ऐसे लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। चौथा जो फायदा है कि आपके बॉडी में जो अतिरिक्त फैट और वाटर स्टक हुआ होता है, जब भी आप शुगर कंज्यूम्पशन कम कर देते हैं, ऐसे कंडीशंस में आप देखते हैं कि आपके बॉडी से बहुत तेज़ी के साथ ये फैट और वाटर डंप आउट होते हैं, जिससे आपका इनिशियल डे में कुछ वेट लॉस भी होता है। पांचवा जो सबसे अहम फायदा है कि आपका मूड काफ़ी बेहतर होता है। आप पहले से अधिक ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, आप खुद को काफ़ी ज़्यादा एकाग्र बना सकते हैं, किसी भी काम में कंसंट्रेट कर सकते हैं। सिक्स नंबर फायदा होता है कि आपकी स्किन काफ़ी पहले से बेहतर होती है, आपके स्किन का ग्लो बढ़ता है, आपके पिंपल्स, कील मुहासे जो होते हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। सातवां जो फायदा होता है कि आपके बॉडी में जो जगह जगह पे इन्फ्लामेटरी और स्टिफनेस है, खास करके ज्वाइंट पेन, मसल्स पेन, अर्थराइटिस, ऐसे कंडीशंस में जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। कुछ और अहम फायदों के बारे में बात करें तो बॉडी जो पहले शुगर फ्यूल पे चलती थी, अब वो जब फैट फ्यूल पे चलना शुरू हो जाती है, ऐसे कंडीशंस में आपके बॉडी में कुछ और भी नए एंजाइम पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। सेकेंड, आपके आर्टरीज की इन्फ्लामेशंस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर थर्ड, आपके ब्रेन सेल यानी न्यूरॉन्स का काफ़ी विकास होना शुरू हो जाता है। एंड नंबर फोर्थ, आपका फैटी लीवर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। एंड नो डाउट आपके किडनी के फंक्शंस और फिल्ट्रेशंस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।